हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक हुई है। गुरुग्राम के सेक्टर 43 के पावर ग्रिड टाउनशिप के मल्टीपर्पज हॉल में यह बैठक हुई है और बैठक में तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा भी हुई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक हुई। इस दौरान गुरुग्राम शहर में सरकारी जमीन पर झुग्गी झोपड़ी डालने और अतिक्रमण पर भी चर्चा की गई, जिसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वो अपने अपने अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण हटवाना सुनिश्चित करें और जन सुविधाओं के लिए दी गई जमीन को भी राजस्व रिकॉर्ड में विभाग या सरकार के नाम दर्ज करवाए। सीएम मनोहर लाल ने सभी एजेंसियों को आपसी तालमेल से काम करने की हिदायत भी दी। सरस्वती कुंड सोसाइटी में अवैध रूप से खाली प्लॉटों में और सड़क किनारे मलबा डालने की शिकायत की सुनवाई करने के दौरान गुरुग्राम शहर में सरकारी जमीन पर अवैध झुग्गियां पनपने और अतिक्रमण होने का विषय मुख्यमंत्री के सामने आया तो उन्होंने संपदा अधिकारी द्वितीय को एक महीने में अपने अधिकार क्षेत्र से अवैध कब्जे हटवाने की हिदायत दी। संपदा अधिकारी ने बताया कि उन्होंने एक बार झुग्गी हटाने का अभियान चलाकर अतिक्रमण हटवाया था और अब वो फिर से अभियान चलाकर अतिक्रमण हटवाएंगे। आज लोक संपर्क की जो हमारी कष्ट निवारण की मीटिंग, इसमें कुल 18 कंप्लेंट्स मिली थी। इन 18 में से 5 कंप्लेंट्स तो ऐसा लगा कि उनको अगले एक महीने बाद या 2 महीने बाद दोबारा से रेफर किया, उस समय तक उसको करके देंगे। अधिकारी ने जो उसमें जो भी प्रॉमिस किया है उसके हिसाब से 13 कंप्लेंट्स को जो है आज वो निपटा दिया गया। मुख्य रूप से दौलताबाद रोड जो है वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत पहले MSME की कुछ फैक्ट्रीज लगी हैं लेकिन वो डेवलपमेंट प्लान में वो इंडस्ट्रियल एरिया नहीं था। अब हमने वैसे तो ये 2 महीने पहले भी कंप्लेंट आई थी लेकिन आज उनको एक टाइम टेबल दे दिया है कि 15 जुलाई तक ये डेवलपमेंट प्लान चेंज हो जाएगा और जो इंडस्ट्री है उसको इंडस्ट्रियल एरिया और जहाँ रेजिडेंशियल एरिया उसको रेजिडेंशियल एरिया बनाया जाएगा और STP की खास करके लोकेशन को बना करके उस पर STP लगाने की बात ये भी कर दी है। गांव गाड़ौली खुर्द के आबादी क्षेत्र में 2 औद्योगिक इकाइयों से होने वाले प्रदूषण के मामले में मुख्यमंत्री ने तत्काल फैसला सुनाते हुए आज उन्हें बंद करने के आदेश दिए। इस मामले में हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने शिकायतकर्ता की शिकायत को सही बताते हुए कहा कि निरीक्षण करने पर पाया गया कि जींस और कपड़ों की धुलाई का कार्य करने वाली 2 यूनिट वहां लगी हुई है जो कि पानी को प्रदूषित कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता TV।